तस्मै वै नमो नमः तस्मै वै नमो नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सतत कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। ईश्वरीय विधान से कई वर्षों बाद इस स्थान पर हम आप सभी पुनः आज एकत्रित हुए हैं। पहले भी आप लोगों को यहां मैंने बहुत सी बातें सुनाई और समझाई है, उसमें से बहुत बातें आप लोगों को याद भी होगी। आज भी कुछ बातें आपसे करेंगे। मेरे विचार से मनुष्य जीवन की सार्थकता बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकती। भक्ति की बड़ी महिमा है, कर्म की बड़ी महिमा है, लेकिन बिना ज्ञान के न तो सत्कर्म हो सकता है और न यथार्थ भक्ति है, दोनों नहीं हो सकता। यदि आप सत्य को नहीं जानते, उसके प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं, उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति आपकी अखंड निष्ठा कैसे बन सकती है। इसलिए बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती, और यदि आपको ज्ञान नहीं है तो सत्कर्म का अनुष्ठान आप कैसे करेंगे। सत्कर्म उसे कहते हैं जो लोक कल्याण में सहयोगी हो, और लोक कल्याण किसमें है इसका यदि आपको बोध नहीं है तो आप उस प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकते जिससे लोक कल्याण सिद्ध होता हो। इसलिए बिना ज्ञान के न तो सत्कर्म हो सकता है और बिना ज्ञान के न तो भगवान की भक्ति, दोनों नहीं हो सकते। ज्ञान
की प्राप्ति यद्यपि सत्संग से होती है, लेकिन सत्संग में विज्ञान का मूल स्रोत क्या होता है? सत्पुरुष जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं, उनके पास वो ज्ञान कहाँ से आता है? उस ज्ञान का स्रोत क्या है? मनन करने पर, चिंतन करने पर आप यही समझ पाएंगे कि जो उनके पास जन्मजात ज्ञान है, वह ज्ञान केवल उनके लिए भी पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान वृद्धि में तो हेतु होता है वो, लेकिन उतना ही ज्ञान उनके जीवन की सार्थकता के लिए पर्याप्त नहीं होता। हाँ, यदि व्यक्ति सजग है, जिज्ञासु है, तो जो उसको जन्मजात ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उस ज्ञान को वो वृद्धि प्रदान कर सकता है, उस ज्ञान का विस्तार कर सकता है सत्संग में जाकर के। और उसके प्रकाश में प्रयत्न करके नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह भी ज्ञान स्वयं में पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, यह उसकी संज्ञा है अल्पज्ञ, और वह अनीश है। आत्मा अनीशो सुख दुख हेतु, श्रुति कहती है कि वह जीवात्मा ईश नहीं है, अनीश है, और इसीलिए वह अपने प्रयत्न द्वारा ही अपने लिए सुख और दुख का निर्माण कर लेता है, स्वयं पर शासन न होने के नाते। फिर यथार्थ ज्ञान का स्रोत कहां से आवे? इसके लिए भारतीय दार्शनिकों ने मानव को एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाई, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, वह तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष कहते इंद्री को, इंद्री के माध्यम से तुम्हें ज्ञान मिला है, और इंद्रियां तुम्हारी इतना विश्वास पात्र नहीं। जो कुछ इंद्रियां तुम्हारी देखती हैं, जानती हैं, उसमें बहुत कुछ गलत होता है। ये याद कर लो, समझ लो, तुम्हारी इंद्रियां जितना कुछ जानती हैं, देखती हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा भ्रांतिपूर्ण होता है, गलत होता है, अशुद्ध होता है। जिन इंद्रियों पर तुम्हें इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, जैसे तुम्हारी इंद्रिय देखती है सूर्य को, कितना गलत देख रही है। तुम्हारी दृष्टि से तो सूर्य एक सुंदर सा चमकता हुआ गोला है। आंख तुम्हारी केवल इतनी बता सकती है तुम्हें कि आकाश में एक गोला है, और वो पूरब से उदय होता है, पश्चिम में डूबता है, दिन भर आकाश पर चलता रहता है, वो थक जाता होगा, फिर रात्रि में वो सो जाता है, सवेरे फिर उठ जाता है। लेकिन ये जो तुम्हारी आंख ने तुम्हें बताया, ये कितना सत्य है? सत्य तो नहीं, मैं तो कहूंगा ये तो 100% झूठ बताया तुम्हें, 100% झूठ बताया। जिस सूर्य को तुम गोला देख रहे हो, वो तो जिस पृथ्वी पर तुम हो, इससे कई करोड़ गुना बड़ा है, कई गुना नहीं। और जिसको तुम देख रहे हो कि वहां पूरब से उदय होता है, पश्चिम में जाता है, डूब जाता है, वो न कहीं से उदय होता, न कहीं अस्त होता है, उदय होता ही नहीं, वो अस्त होता ही नहीं, वो
उसमें जो गति है वो ऐसी गति नहीं है कि वो चल करके रास्ता जैसे तुम तय करते हो वैसे करता है। सूर्य अपने ऑर्बिट पर तो जरूर वो गति करता है, लेकिन उसमें इस प्रकार की सीधी गति नहीं है, या ऐसे कोई चक्कर नहीं काट रहा हो। जो तुम्हारी आंखों ने तुम्हें बताया बिल्कुल गलत बताया है, बिल्कुल मिथ्या बताया है। इसलिए अपनी आंखों पर इतना विश्वास मत करो कि तुम जन्म भर भ्रांति में ही पड़े रहो। फिर क्या करें भाई, का फिर बुद्धि से भी काम लो, उसका प्रयोग करो। जब बुद्धि का तुम प्रयोग करोगे तो वो बुद्धि तुम्हें केवल तुम्हारे जाने हुए ज्ञान के अनुसार ही कल्पना करने की सामर्थ्य देगी, उससे ज्यादा सामर्थ्य दे ही नहीं सकती। उसको हमारे यहां अनुमान, अनुमानित ज्ञान कहते हैं और अनुमान प्रमाण कहते हैं। प्रमाण माने होता है प्रमा, मा माने सीमा, और प्रमा शब्द का अर्थ होता है मापने वाली। वह बुद्धि जो तुम्हारी सीमा को मापती है समझती है, उतने तुम जान सकते हो। तो जो तुमने जाना है देखा है अपने इंद्रियों के द्वारा, उसी के अनुसार तूने कल्पना कर ली, उद्भावना कर ली, बुद्धि का प्रयोग कर लिया और तुम्हें यह महसूस हो गया कि इतना ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हो। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग आए यहां आगे बैठ गए, पीछे कुर्सियां खाली हैं, लोग आते हो परेशान होते हैं, तुम लोग एक किनारे बैठो, नहीं इस तरफ होकर इधर होकर बैठ जाओ, जिससे बाग में जो आवे सामने बैठ जाए। सत्संग में आते हो तो बैठना भी सीख लो थोड़ा, जब तुम आओ तो एक एक लाइन में बैठते जाओ जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। यहां जो सामने बैठे हैं ये उठ करके इधर चले जाए, तुम्हें लोगों से कह रहा हूं, कोई दूसरे से नहीं कह रहा हूं, यहां से उठ जाओ, उठ कर इधर बैठ जाओ। जगह खाली कराना हुआ ज्ञान है इंद्रियों के माध्यम से, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। इंद्रियों के ज्ञान के अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि ने कल्पना की, जिसको अनुमान ज्ञान कहते वो भी अधूरा होगा। जब बुद्धि ही ठीक नहीं है तो तुम्हारे लिए पूर्ण ज्ञान कहां से देगी, इसलिए वो भी ज्ञान तुम्हारा अधूरा हो। फिर क्या किया जाए, सही ज्ञान कहां से मिले, इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सही ज्ञान तो परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा ही सर्वज्ञ है, परमात्मा ही सर्व समर्थ है, परमात्मा के द्वारा ही मनुष्य को सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दूसरा दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को सही ज्ञान दे सके। कहा फिर परमात्मा का ज्ञान कहां से प्राप्त किया जाए, कहा वो तो सृष्टि के आदि में जब परमात्मा ने सृष्टि का आविर्भाव किया तो सृष्टि के साथ ही परमात्मा ने मानव मात्र के लिए ज्ञान का कोश प्रदान किया। वेद में बात समझाई गई है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, जो सर्वप्रथम सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा को पैदा किया उसी ने उस ब्रह्मा को अपने दिव्य ज्ञान से भर दिया, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हुआ, पूर्ण प्रज्ञ हुआ। ज्ञान से जिसको भरा है वह व्यक्ति दुनिया का आदि वक्ता है, आदि ज्ञाता है, आदि ज्ञान का स्रोत है, उसका नाम रखा है ब्रह्मा। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट किया और उसे अपने दिव्य ज्ञान से भर दिया। तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम हम प्रपद्ये। ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम उसी परमात्मा के प्रार्थना करते हुए हम मुमुक्षुजन उसकी शरण में।
मेरे कहने का अभिप्राय कि पूर्ण ज्ञान का स्रोत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और उस ज्ञान को हमारे यहां शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के तीन भेद है, त्रिविधम प्रमाणम। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो आप अपनी इंद्रियों से देखते हैं, कान से सुना, आंख से देखा, हाथ से छुया, नाक से सूंघा, ये जो आपके द्वारा दृश्य ज्ञान मिला, ये ज्ञान अधूरा है। इस ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, मन का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आप उस ज्ञान को वेरीफाई कर सकें, सही है वह गलत है ये समझ सकें। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उस इंद्रियजन्य अधूरे ज्ञान के अनुयायी बनकर रह जाएंगे और वो ज्ञान जो है इंद्रियजन्य अधूरा ज्ञान, वह आपको केवल दुख के सिवा और कुछ नहीं देगा, आपको भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं देगा, आपको अज्ञान वृद्धि के सिवा और कुछ नहीं देगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये बिल्कुल अधूरा है, अज्ञान ही है दूसरे रूप में, याद रखो। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात अनुमान बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कार्य कारण के संबंध को देखते हुए आपको यह निर्णय करना पड़ेगा कि जो मैं समझ रहा हूं वो है नहीं। जैसे उपनिषद की यह कथा, अदिति पुत्र इंद्र और दिति का पौत्र वैरोचन, ये दोनों ब्रह्मदेव प्रजापति के पास तत्वबोध प्राप्त करने के लिए गए। प्रजापति को नमस्कार किया, उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। प्रजापति ने पूछा, भाई कैसे आए? कहा, हम तत्वबोध प्राप्त करने आए। प्रजापति ने कहा कि ये जो तुम्हारे नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष है, यही परम तत्व है और इसको तुम देख लो, जान लो, समझ लो, परम तत्व के ज्ञाता हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात। वैरोचन और इंद्र दोनों नेत्रस्थ पुरुष को देखने के लिए प्रयत्न करने लगे। जाकर के जल में देखा नेत्रस्थ पुरुष को, जल में देख करके उन्होंने निर्णय किया कि नेत्र में तो जल में तो हमारा अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहा, जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, प्रजापति ने कहा है यही परम तत्व है। वैरोचन ने कहा कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए अपन क्यों परेशान होते रहे, चलो गुरुदेव ने बता दिया है कि जो दिखाई दे रहा है यही परम सत्य है, तो अब हमें तो बोध हो गया। ये जो आभूषण से सजा हुआ, ये जो श्रृंगारित सुंदर स्वरूप है, यही परम सत्य है। ये समझ करके वैरोचन लौट गया, इंद्र भी लौट गया। इंद्र जब लौटने लगा, कुछ दूर गए दोनों, तो वैरोचन तो अपने समाज में जाकर के वहां इसका प्रचार करने लगा कि मैं प्रजापति से दीक्षा ले आया और मुझे तत्व ज्ञान हो गया। कहा, तत्व ज्ञान क्या है? तो उसने बताया कि तुम लोग शीशे में, दर्पण में या पानी में अपने आप को देखो, जो नेत्रस्थ पुरुष दिखाई दे रहा है यही परम सत्य है। उसका संप्रदाय चल पड़ा। अब उस संप्रदाय वालों ने शरीर, मन और आत्मा को एक समझ लिया, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑल आर वन। शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हैं। जब शरीर मरता है तो तीनों मर जाते हैं, जब शरीर जन्मता है तो तीनों जन्म जाते हैं। यह उसकी फिलॉसफी होगी और उसने अपनी फिलॉसफी का प्रचार करना शुरू किया। उसके अनुयायी हो गए वो, क्योंकि बड़ा सरल रास्ता था।
इंद्र जब कुछ दूर गया, दूर जाकर सोचने लगा कि परम तत्व जो है वो तो अविनाशी है, उसको अक्षर कहते हैं, और जो नेत्रस्थ पुरुष दिखाई दे रहा है ये तो अविनाशी हो नहीं सकता, ये तो नाशवान है, क्योंकि पहले ये शरीर छोटा सा था, उसके बाद में बड़ा हो गया, और अब कुछ दिनों बाद ये बूढ़ा होगा और छीड़ होगा और नष्ट हो जाएगा, और यही दिखाई दे रहा है नेत्र के द्वारा, ये कैसे परम तत्व हो सकता है। वो सोचने लगा कि गुरुदेव के उपदेश में तो कोई कमी नहीं, गलती मेरे समझने में कहीं हो गई। वो लौट करके आ गए, प्रजापति ने देखा वो आ गए, बोले कहा कैसे आए, कहा प्रभु जो लक्षण आपने बताया और जो स्वरूप आपने बताया दोनों आपस में मिलते नहीं, परम तत्व का लक्षण है अविनाशी और जो आपने नेत्रस्थ पुरुष बताया वो नाशवान है, ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। प्रजापति मुस्कुराए, कहा मैं जानता था कि तू लौट करके आएगा। बैरोचन कहा है, कहा वो तो चला गया, कहा ये भी मैं जानता था कि बैरोचन इसका पात्र नहीं है, यदि यथार्थ में तो तत्व ज्ञान लेना चाहते हो तो तुम्हें यहां रहकर साधना करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात, छांदोग्य उपनिषद में बात समझाई गई है कि इंद्र प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 110 वर्ष तक निवास किए और विभिन्न स्तरों पर साधना करते हुए उन्होंने उस परम तत्व ज्ञान को प्राप्त किया और वो ज्ञान लाकर के अपने देवताओं में प्रचार किया। इसलिए इंद्र आचार्य बने दैवी संस्कृति के और बैरोचन आचार्य बना आसुरी संस्कृति का। आज भी दुनिया में ये दो संस्कृतियां हैं, एक दैवी संस्कृति है, दूसरी आसुरी संस्कृति है। दैवी संस्कृति में शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, ये तीनों का अलग अलग स्थान है। इन तीनों में एक अविनाशी है, अक्षर है, दो नाशवान है, नश्वर है, क्षर है। लेकिन आसुरी संस्कृति में आज भी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आर वन, आज भी इसी का प्रचार है। और इसलिए दैवी संस्कृति में आत्मा को अटैचमेंट, जो राग है बॉडी में माइंड में, उससे अलग करने के लिए मृत्यु के पश्चात तुरंत उसके शरीर को जला देने की व्यवस्था की गई। जब तक शरीर रहेगा इसका राग इसमें बना रहेगा, इसलिए इसे नष्ट करो पहले। और आसुरी संस्कृति में कहा नहीं, इसको नष्ट नहीं करो, इसको वैसे सुरक्षित रखे रहो। और एक दो वर्ष नहीं, आसुरी संस्कृति की वह सुरक्षित रखी हुई लाशें, मृत व्यक्ति का शरीर 6,000 वर्ष का पुराना मिला, मालूम 6,000 वर्ष का पुराना, जिसको मम्मीज कहते हैं। ये कैसे, क्यों? वहां ये विश्वास है, ये वहां सिद्धांत है कि वन डे विल कम व्हेन गॉड विल कॉल ऑल दीज डेड बींग्स। एक दिन आएगा जब परमात्मा इन सबको आवाज लगाएगा, सब कब्र से उठ उठ करके चले जाएंगे और जाकर के परमात्मा के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर वो इनका न्याय करेगा। दैट कॉल जजमेंट डे, जजमेंट देगा, न्याय करेगा, फिर किसी को स्वर्ग में भेजेगा, किसी को नरक में भेजेगा। इसीलिए कई एक ऐसे संप्रदाय के लोग थे, ऐसे संप्रदायों का विकास हुआ जिन्होंने मृत्यु के साथ, जब कॉफिन जो बनाया जाता है जिसमें मुर्दे रखे जाते हैं, उसमें अपने धर्माचार्यों द्वारा प्रमाण पत्र लिखवा करके उसमें रखा, प्रमाण पत्र, और पाखंड यहां तक पहुंच गया कि उसमें कुछ धर्म गुरुओं ने पूछना शुरू किया
कि मरने के बाद जजमेंट डे के पश्चात तुम्हें स्वर्ग जाना है, जाना है, तो स्वर्ग में तुम्हें कैसा स्थान चाहिए, कितना बड़ा मकान चाहिए, दो कमरे का, चार कमरे का, किस क्वालिटी की शराब चाहिए, कितनी स्त्रियां चाहिए, कैसी सुंदर स्त्रियां चाहिए, वो सब अपनी डिमांड जो है मरने के बाद की वो सब नोट कर लेते, और इसका इतना चार्ज होगा वो हमें दे जाओ, और ये कागज ले जाकर के उसी कॉफिन में रख देना। जजमेंट डे में जब ये मुर्दा उठेगा तो ये कागज लेकर खुदा के सामने खड़ा हो जाएगा और बताएगा कि हमें ये प्रमाण पत्र हमारे पास है और ये हमें चाहिए, उसके अनुसार खुदा दे देगा। वाह, आज ना सोचिए, ये आसुरी संपत्ति, आसुरी संस्कृति की ये रूपरेखा रही है, आज भी है, आज भी आपको आश्चर्य होगा, आज भी है, स्वर्ग की सीटें आज भी रिजर्व होते हैं, स्वर्ग जाने का परमाना आज भी दिया जाता है। कई ऐसे संप्रदाय हैं, क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी, दोनों में, जहां पर स्वर्ग जाने के लिए यहीं पर पूरे पैसे भरे जाते हैं और स्वर्ग में क्या क्या चीजें चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर उसके कोफिन के साथ दफनाई जाती है। ये आसुरी संस्कृति का स्वरूप। दैवी संस्कृति में इंद्र के द्वारा जिस विज्ञान का प्रचार किया गया, जिस धर्म का प्रचार किया गया, जिसको आर्य धर्म कहते हैं, देव धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, उसमें यह बताया गया कि आत्मा शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है। आप लोग रोज हमारे प्रार्थना में पढ़ते रहे हैं, तू तन नहीं, तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज शुद्ध है, करता नहीं तू कर्म का अभिमान, तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को बीती निसाव जागे। मेरे कहने के प्राय, ये जो विज्ञान है दैवी विज्ञान, इस विज्ञान का नाम ही वैदिक विज्ञान है, और वह ज्ञान प्रजापति के द्वारा इस दुनिया में फैलाया गया, उसके उपासक देव कहे जाते हैं, और उसके विपरीत ज्ञान के उपासक असुर कहे जाते हैं। ये देव और असुर दो विचारधाराएं सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपस में संघर्ष करती रही, ये दोनों की अलग अलग मान्यता है, एक की मान्यता शरीर के साथ जुड़ी हुई है, दूसरे की मान्यता शरीर से परे जुड़ी हुई है। एक शरीर की पूर्ति के लिए समग्र साधनों को अपने अधिकार में लाने की कोशिश करता है और दूसरा शरीर के समस्त साधनों को त्याग करके अपने आप को इससे ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ये दोनों विचारधाराएं इस मानव समाज में आज भी प्रचलित है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वैदिक ज्ञान का जो दिव्य संदेश दिया गया वह अतीत से, प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रवाह रूप से चला रहा है, नित्य रूप से चला रहा है, उसी क्रम से चला रहा है, जिसमें कोई भी व्यवधान नहीं आया, उसको हमारे यहां ऋषियों ने शब्द प्रमाण कहा। प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण तो अधूरा है, वो तो नेत्रस्थ पुरुष का दर्शन करना वैरोचन के संप्रदाय का है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है लेकिन उसका कोई महत्व तो नहीं है, केवल वो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अनुमान प्रमाण है, उसका भी कोई महत्व तो नहीं है, वह भी प्रत्यक्ष पर अवलंबित है, इसलिए परम प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण है। इसलिए मनु ने लिखा अपने स्मृति ग्रंथ में, प्रमाणम परमम श्रुति, वेद जो है यही परम प्रमाण है। और पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा कि त्रिविध प्रमाणों में शब्द प्रमाण ही श्रेष्ठतम प्रमाण है, और वह शब्द प्रमाण क्या है, वेद। वेद ही शब्द प्रमाण है। वेद किसे कहते हैं, इसमें दो मत हो गया अब, प्राचीन काल में भी हमें दो मत दिखाई देता है। समाधि की श्रेष्ठतम अवस्था में
समाधि की श्रेष्ठतम अवस्था में जब व्यक्ति का अहम उस परमात्मा में शून्य में लीन हो जाता है, जहां व्यष्टि भाव नहीं रहता, इसे समझो, बहुत महत्व की बात है, पता नहीं कितने लोग समझ पाओगे इसमें से। खैर, समाधि की उच्चतम अवस्था में जहां व्यष्टि भाव नहीं रहता, अहम का स्फुरण नहीं होता, चित्त लय हो जाता है, चित्त लय हो जाने में इंडिविजुएशन जिसे कहते वो समाप्त हो जाता है, वो उच्चतम अवस्था है। उस उच्चतम अवस्था में केवल एक चैतन्य घन रह जाता है, शुद्ध चैतन्य घन, और वह चैतन्य घन जो इस चित्त में प्रकाशित हो रहा है ब्रह्मचक्र में, वह और जो उसका प्रकाशक स्रोत है, वो दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक ही होते, वहां दो नहीं होते, वहां द्वैत नहीं होता। उस अद्वैत की स्थिति में योगी जब पहुंचता है, तब उसमें उस दिव्य ज्ञान का अवतरण होता है, उस दिव्य ज्ञान का अवतरण होता है। उस अवस्था में वह योगी उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के पश्चात फिर उसका प्रवचन करता है। जो दिव्य ज्ञान उस उच्चतम अवस्था में प्राप्त होता है, उसको श्रुति कहते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। लेकिन उससे एक और नीची अवस्था है, जिस अवस्था में व्यक्ति का इंडिविजुएशन बना रहता है, बुद्धि बनी रहती है, अहम बना रहता है, मैं बना रहता है, लेकिन मैं शुद्ध होता है, इंडिविजुएशन माने व्यक्ति भाव उसका सेपरेट बना रहता है, जीवित रहता है, उस अवस्था में भी वो अनुभव करता है, उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। वो रिवील्ड नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है। नॉलेज के, ज्ञान के दो भेद हैं, एक रिवील्ड नॉलेज, एक एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। समाधि की उच्चतम अवस्था में रिवील्ड नॉलेज प्राप्त होता है, और समाधि की निम्नतम दूसरी अवस्था में एक्सपीरियंस नॉलेज प्राप्त होता है, जहां पर आपको अनुभव होता है कि आप सत्य को जान रहे हैं, सत्य को पहचान रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं। ये दो अवस्थाएं अलग अलग हैं। इसलिए उस अवस्था में हमारी स्मृति बनी रहती है, इंडिविजुएशन बना रहता है, इसलिए उस ज्ञान को स्मृति ज्ञान कहते हैं। समझे? श्रुति और स्मृति में कितना अंतर है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में श्रुति निर्बीज समाधि की अवस्था का ज्ञान है, और स्मृति सबीज समाधि की अवस्था का ज्ञान है। एक को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, दूसरे को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात में सम्यक प्रकार से बोध बना रहता है अपने मैं का, इंडिविजुएशन का, व्यष्टि भाव का, और असंप्रज्ञात समाधि में मैं का बोध नहीं रहता, इंडिविजुएशन का बोध नहीं रहता, अपने व्यष्टि भाव का बोध नहीं रहता। उस अवस्था में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं रिवील्ड नॉलेज अंग्रेजी में, अवतरित ज्ञान। अवतरित ज्ञान को श्रुति और अनुभूत ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो परम प्रमाण कौन सा हुआ? वो श्रुति, प्रमाणम परमम श्रुति। यदि वो श्रुति स्मृति, यदि स्मृति श्रुति के अनुसार है, तो स्मृति का भी स्थान स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यदि स्मृति और श्रुति में अंतर पड़ जाए, तो एक वह योगी जो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ है, वो जिसका प्रवचन कर रहा है, जिसकी व्याख्या कर रहा है, और एक यह योगी जो संप्रज्ञात समाधि में बैठ करके बोल रहा है, उन दोनों में यदि आपस में मतभेद हो जाए, तो प्रमाण किसको माना जाए? वो कहते हैं उसको माना जाएगा जो असंप्रज्ञात समाधि में, उसकी बात वो श्रुति बोल रहा है, और वो स्मृति बोल रहा है, क्योंकि वहां इंडिविजुएशन नहीं है, वहां इंडिविजुएशन है, दोनों में अंतर है। इसलिए हमारे यहां वेद को परम प्रमाण माना गया। दूसरी बात,
सृष्टि के दो क्रम हैं, दो क्रम हैं। एक सृष्टि जो है वो ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है, मानसिक। अब इसमें देखिए आगे से कैसा ऋषियों का बड़ा अगाध ज्ञान है, क्या बताऊं आपको, अगाध ज्ञान। उसमें ये भेद बताया गया कि जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो उसमें संकल्प से, परमात्मा के संकल्प से ऋषियों का आविर्भाव होता है और मनुओं का आविर्भाव होता है। ऋषि और मनु ये परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होते हैं, ये किसी रजवीर से पैदा नहीं होते। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में बात समझाई है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्त था मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोकी में प्रजा, यानी अमैथुनी सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि के जो प्राणी हैं उनमें वो रिवील्ड नॉलेज का आविर्भाव होता है, याद रखना। इसीलिए आज का भी यदि कोई असंप्रज्ञात प्राप्त हुआ योगी है, वो यदि कोई बात कहे और कहे कि ये नया ज्ञान भगवान ने मुझे दिया है, तो भारतीय दार्शनिक स्वीकार नहीं करता उसे। क्यों नहीं करता? करना चाहिए, इसलिए नहीं करता। वहां दो बात होती है, एक तो जो बात कह रहा है वो जो रिवील्ड नॉलेज वाले योगी हैं, पूर्व के ऋषि, उनके अनुकूल है या उनके विपरीत है। यदि उनके अनुकूल है फिर तो उन्हीं की बात दोहरा रहा हो, उसमें नयापन कुछ है ही नहीं। और यदि उनके विपरीत कह रहा है तो गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। हां, स्मृति की बात अलग है। स्मृति जो अब हमारे यहां दूसरा क्रम बताया गया कि जो अमैथुनी सृष्टि में पैदा हुए थे उनमें जो ज्ञान आया वो रिवील्ड नॉलेज था, लेकिन मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई, मैथुनी सृष्टि में इंडिविजुएशन का कुछ अंश बाकी रह जाता है। उनकी अवस्था यदि असंप्रज्ञात की होगी तो कुछ काल के लिए भले हो जाए लेकिन सतत नहीं बनी रहती, इसलिए उनके यहां जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है उसको श्रुति मानने के लिए तैयार नहीं है। मैथुनी सृष्टि के द्वारा जिस ज्ञान का उपार्जन होता है उसको स्मृति कहते हैं, श्रुति नहीं मानते। इसलिए वैदिक साहित्य का विभाजन दो भागों में कर दिया गया, श्रुति और स्मृति। अब हमारे यहां दो प्रकार के मत होगी इसमें कि भाई मैथुनी सृष्टि में भी जो ऋषि उस उच्चतम अवस्था को पहुंचे उनकी बात को भी श्रुति क्यों न माना जाए, क्या कारण है? ऋषियों ने कहा मानना चाहिए, और उसमें आपस्तंभ नाम के ऋषि हुए हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया, ये मानना चाहिए। निरुक्तकार ने कहा मानना चाहिए, अनेकों ऋषियों ने कहा मानना चाहिए। इसलिए हम सनातनी उनकी विचारधारा को भी श्रुति ही मानते हैं, और उन ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं उनको जानते हो क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ। इसलिए सनातन धर्म में जहां वेद की प्रतिष्ठा है उसमें दोनों भाग है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेय, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को हम वेद रूप में, दोनों को हम श्रुति रूप में स्वीकार करते हैं। और हमारे आचार्यों ने केवल मंत्र और ब्राह्मण को नहीं, श्रुति को चार भागों में स्वीकार किया, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग, ये चारों भाग श्रुति है, चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि मंत्र भाग प्राचीनतम है और मंत्र भाग की व्याख्या ब्राह्मण भाग में है, आरण्यक में है और उपनिषद में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये उन ऋषियों की वाणी है जो असंप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, जिनमें रिवील्ड नॉलेज आविर्भूत हुआ था, इसलिए उनकी बात को हम कहीं अप्रमाणित नहीं स्वीकार कर सकते, उनकी बातें भी श्रुति वाक्य है। इसलिए और उन ऋषियों की बात को हमने स्मृति वाक्य माना जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्होंने समाज की स्थिति को देख करके उसकी व्याख्या की। अब उस ज्ञान के भी दो भेद हो गए,
एक तो तत्व विज्ञान और दूसरा समाज विज्ञान। तत्व विज्ञान के आधार पर समाज विज्ञान की व्याख्या करना एक बात है और समाज विज्ञान के आधार पर तत्व विज्ञान का समन्वय बैठाना यह दूसरी बात है। इसलिए हमारे यहां सनातन धर्म में मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद चारों को श्रुति रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन हमारे यहां एक संप्रदाय, ये नया संप्रदाय नहीं है, पहले से ही है, पहले के उस संप्रदाय का अनुसरण करने वाला एक वर्ग है जो केवल मंत्र मात्र को श्रुति मानता है। केवल मंत्र भाग जो है वही श्रुति है, ब्राह्मण भाग श्रुति नहीं है, आरण्यक भाग श्रुति नहीं है, उपनिषद भाग श्रुति नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता है। लेकिन उसकी मान्यता में कोई तर्क नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। केवल यह बात जरूर है, उनका कथन है कि जो लोग जो सृष्टि के प्रारंभ में आविर्भूत हुए थे ऋषि, यानी जो भगवान के मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए थे, उनका जो ज्ञान है वो श्रुति ज्ञान है, और जो मैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए ऋषि, उनका ज्ञान स्मृति ज्ञान है। यदि इस बेस पर हम श्रुति और स्मृति का विभाजन करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा भाई? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो उन ऋषियों के लिखे हुए मंत्र हैं, अनुभूत मंत्र हैं, जो कि सृष्टि के आदि में पैदा नहीं हुए थे, जो सृष्टि के बाद में, जो मैथुनी सृष्टि के आविर्भाव में पैदा हुए, ऐसे ऋषियों के वाक्य उसमें है। ऐसे ऋषि उसके दृष्टा हैं जो मैथुनी सृष्टि के समय पैदा हुए। अब कहा कि नहीं, ये मंत्र तो पुराने थे लेकिन पहले दूसरे के नाम से प्रचलित थे, अब इनके नाम से प्रचलित हो गए हैं, तो इसको मानने में क्या तकलीफ हो रहा है कि ये ब्राह्मण भाग जो है, उपनिषद भाग जो है, ये भी तो वेद है, ये भी तो श्रुति है, ये भी पहले पुराने ऋषियों के नाम से प्रचलित हुए, बाद में नए ऋषियों के नाम से प्रचलित हो गए। ये तो तर्क हम दोनों में दे सकते हैं, केवल मंत्र में ही ये तर्क नहीं हो सकता, ये तर्क तो ब्राह्मण भाग में भी हो सकता है, क्योंकि वेद का व्याख्यान जिस परमात्मा ने वेद दिया तो उस वेद को समझने का बोध तो किसी ऋषि को ही दिया होगा। परमात्मा ने व्याख्यान लिखकर आकाश से तो गिराया नहीं, गिराया। जब परमात्मा किसी ऋषि के दिमाग में ज्ञान प्रकट किया तो उसके दिमाग में उस ज्ञान का अर्थ प्रकट नहीं किया गया, केवल मंत्र प्रकट कर दिया और अर्थ के लिए कहा कि तुम इसको ढूंढते रहो अंधेरे में, ये तो कोई अकल वाली बात नहीं है। फिर अज्ञानी अल्पज्ञ मनुष्य कैसे उसका अर्थ करेगा? कहने का अभिप्राय कि जिस परमात्मा ने उस मंत्र का अवतरण किया ऋषि के मस्तिष्क में, उसी परमात्मा ने उसी ऋषि को प्रेरित किया कि इसका ये अर्थ है, इसको प्रकाशित करो तुम, और उन्हीं ऋषियों ने उस अर्थ का प्रकाशन किया, और जिस अर्थ का प्रकाशन किया, जिस मंत्र के अर्थ का प्रकाशन किया, उस प्रकाशन का नाम पड़ा ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों कहा गया भाई? इसलिए कि वेद का नाम है ब्रह्म, और ब्रह्म का जो विस्तार है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ये बात समझे? ब्राह्मण माने ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म के विस्तार का नाम ब्राह्मण है, ब्रह्म की व्याख्या का नाम ब्राह्मण है। इसलिए वेद की व्याख्या को ब्राह्मण का, वह ब्राह्मण ग्रंथ है। जब लोग कहते हैं ना ये ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म लोग कहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते, और कितने अज्ञानी तो ये समझते हैं कि ब्राह्मण नाम की एक जाति उसका धर्म है। उन अकल के दुश्मनों को यह समझ में नहीं आता कि यहां ब्रह्म माने वेद है और ब्राह्मण माने उसकी व्याख्या है। वेद की व्याख्या के अनुसार जो धर्म पालन किया जाता है उसका नाम है ब्राह्मण धर्म। वेद की व्याख्या को ब्राह्मण कहते हैं, और उस व्याख्या के अनुसार जो धर्म का पालन करता है उसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं। लेकिन पश्चिम के लोगों ने जब वेद के अनुसंधान करने लगे तो वहां पर वो ब्राह्मण का वही अर्थ किया जो आजकल लोगों में भ्रांति बस प्रचलित है। ये क्यों किया ऐसा, इसका भी रहस्य समझिए। पश्चिम के मिशनरी जब भारत में गई, बड़ी दुखद बात है और बड़ी चतुराई की बात है उसको समझो, तो वहां पर उन्होंने देखा कि 700 वर्ष तक मुसलमान यहां के ग्रंथों की होली खेलते रहे, जलाते रहे, इन्हें नष्ट करते रहे,
और यहां के विद्वानों को लाइन में खड़ा करके मारते रहे। आपको जानकर दुख होगा, बख्तियार अली खां के साथ जो इतिहास लिखने वाला गया था उसने लिखा है कि उसने 100,000 विद्वानों को एक लाइन में खड़ा करके, और उसकी महिमा में लिखा है 100,000 विद्वानों को एक लाइन में खड़ा करके, जैसे पशु खड़े किए जाते हैं, फिर उसने तलवार से दोनों हाथ से उसके 200 जो सिपाही थे वो ऐसे छांट दिए, उनके गर्दन जमीन पर गिरा दिए। 100,000 विद्वान, इतिहास पढ़ी, वो कहां थे? नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी। इस ढंग से उसने विद्वानों का नाश किया। अंग्रेज जब मिशनरी गई तो उन्होंने देखा सारा, समझा पढ़ा कि जब इनका लाखों की तादाद में मार दिए गए और 700 वर्ष तक इनको तंग किया गया, तब भी इनका यह ज्ञान नहीं गया, इनका धर्म नहीं गया, फिर कैसे इसको नाश किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि धर्म को नाश करने का तीन तरीका है, तीन तरीके याद रखो। पहला तरीका है कि उनके मूल को नष्ट कर दो। यदि उनका मूल अविनाशी है, नष्ट नहीं हो सकता, फिर क्या करो? फिर उसमें मिलावट करो, पोल्यूशन करो उसमें। अब उन्होंने देखा कि यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद के तो अक्षर अक्षर गिने हुए हैं, अक्षर एक एक अक्षर गिना हुआ है वैदिक साहित्य का, और उसके ग्रंथ बने हुए हैं। ऋग्वेद में कितने अक्षर हैं, कितनी मात्राएं हैं, गिना हुआ है और उसके ग्रंथ बने हुए हैं, और हजारों विद्वान तत्कालीन भारत में थे जिनको वो याद थे सारे सारे, कितना मारोगे तुम? फिर क्या किया जाए? फिर उन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया कि न तो इनका नाश कर सकते हो, न तो पोल्यूशन कर सकते हो, इसका गलत अर्थ बताओ। इसलिए उन्होंने जितनी शिक्षा संस्थाएं भारत में थी उसको तो खत्म कर दिया और अपनी शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी, जिसको कहते हैं आजकल की शिक्षा, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, यूनिवर्सिटी शिक्षा, और उसमें इन ग्रंथों का गलत अर्थ करना शुरू किया, वेद का, शास्त्र का, सब गलत अर्थ करना शुरू किया, और इतने गलत गलत अर्थ किए हैं, यदि उनको कभी तुम्हें पढ़ने का अवसर मिले तो आश्चर्यचकित हो जाओगे तुम, इतने गलत अर्थ किए। और उसी गलत अर्थ में यह भी बहकाया लोगों को, जैसे मैं आपको बता रहा था, और उसका नाम ही रख दिया ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मण धर्म, जबकि ब्राह्मण धर्म का अर्थ होता है वेद की व्याख्या के अनुसार जीवन की प्रक्रिया। इसीलिए हमारे यहां जब एक नया संप्रदाय शुरू हुआ तो उसने कहा मैं ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नहीं मानता, हम ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानते नहीं। फिर वेद क्या है? बोले केवल मंत्र भाग वेद है, संहिता भाग वेद है। अरे संहिता तो कहते हैं सन्निकर्षण संहिता, जो संकलित की जाए वो संहिता है, तो यह भी तो संहिता है, इसको क्या कहोगे तुम? मेरे कहने के प्राय कि तर्क के लिए कहीं इति नहीं है, जितना तर्क करते जाओ बढ़ता जाएगा, लेकिन मूलतः वेद से संबंधित, मंत्र भाग से संबंधित जितने ग्रंथ हैं, चाहे उसकी व्याख्या में हो, चाहे उसके अनुसंधान में हो, जो ऋषि प्रणीत है, जो तत्वदृष्टा ऋषियों की अनुभूति है, जिसको हम रिवील्ड ज्ञान कहते हैं, जो उस असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में रह करके सत्य का अनुभव करके उन्होंने उसको आगे प्रवचन किया है, वो सारा का सारा श्रुति ज्ञान है। हम सनातनी उसको श्रुति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे यहां वैदिक साहित्य का विस्तार मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में हुआ है, यहां तक वैदिक साहित्य का विस्तार है। आगे उसकी व्याख्या और भेद हो गई है, और अथर्ववेद के मंत्रों में आपको मिलेगा इतिहास और पुराण का नाम, जिसमें बताया गया कि यह भी इटर्नल नॉलेज है। छांद्योग उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा कि भगवान के श्वास से ही ये वेद यहां से प्रकट हुए, वहीं पर इतिहास, पुराण आदि ग्रंथ भी प्रकट हुए। मेरे कहने के प्राय कि इन सारे के वेद की व्याख्या के रूप में महाभारत में तो साफ शब्दों में बताया गया
कि ये इतिहास और पुराण वेद का उपब्रहण है, वेद की व्याख्या है, वेद का विस्तार है जनमानस को समझाने के लिए। इसलिए जो कुछ वेद सम्मत सिद्धांत की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, सबको हमने एक शब्द से संबोधित किया, वैदिक साहित्य। ये सब वैदिक साहित्य है, वेद तो है ही लेकिन वेद से संबंधित साहित्य वैदिक साहित्य। उसमें चार वेद तो थे ही, उनके अलग अलग ब्राह्मण थे, उनके अलग अलग आरण्यक थे, उनके अलग अलग उपनिषद थे, और उपनिषदों के साथ उनके फिर सूत्र ग्रंथ बने, सूत्र ग्रंथ, और सूत्र ग्रंथों के साथ भी आगे और उनके विस्तार को समझाने के लिए इतिहास और पुराण की रचना की। भगवान व्यास देव ऐसे महापुरुष ने, इसलिए सारा का सारा साहित्य वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाने लगा। जब हम वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो समस्त उस श्रुति ज्ञान का प्रयोग करते हैं जिसमें मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सारा का सारा समाहित है। जब हम स्मृति ग्रंथ का प्रयोग करते हैं तो उसकी व्याख्या में जो ऋषियों ने अलग अलग रचनाएं की हैं, महाभारत भी स्मृति है, महाभारत भी स्मृति है, पुराण भी स्मृति है, इसी रूप से अन्य स्मृतियों की भी रचना की है ऋषियों ने समय समय पर, जो मानव समाज को सद्धर्म की तरफ प्रेरित करते हैं, जो मनुष्य को एक सही दिशा प्रदान करते हैं, वो सारा का सारा स्मृति ग्रंथ है। और इनको हमारे यहां परम प्रमाण माना गया। पहले परम प्रमाण श्रुतियां हैं और उनके अनुसार यदि कोई स्मृति है तो वो भी परम प्रमाण है। हाँ, यदि श्रुति विरोधी कोई स्मृति है तो उसको हम परम प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम प्रमाण ही मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो श्रुति का विरोध करती है, यानी रिवील्ड नॉलेज का, अवतरित ज्ञान का वो विरोधी है, ईश्वरीय ज्ञान का विरोधी है, इसलिए हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो यहां पर ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाया कि हमें बताया गया कि आप यहां पर तीन दिन वेद यज्ञ होगा, वेद की व्याख्या करो। तो पहले वेद समझ लो, वेद कहते किसे हैं, फिर तो उसकी व्याख्या समझोगे। वेद किसे कहते हैं ये समझो। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सारा का सारा ये श्रुति माने वेद शब्द से संबोधित होता है, और ये वैदिक विज्ञान है, और ये सभी उन ऋषियों के द्वारा अभिव्यक्त किए हुए हैं जो ऋषि समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच करके, जिन्होंने अपने इंडिविजुएशन को उस परम सत्य में खो दिया था, जिसका इंडिविजुएशन जीवित नहीं था, बाकी नहीं था, अलग नहीं था, जो उस परमात्मा से एक हो चुके थे। इसीलिए आप गीता पढ़ते, गीता के लिए भी एक शब्द है, जब गीता की पुष्पांजलि जहां होती है, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ये उपनिषद है। ये उपनिषद क्यों है, ये भी रिवील्ड नॉलेज है, ये भी परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है, इसलिए उपनिषद है, इसमें मिलावट नहीं है कहीं, ये किसी ने अनुभव करके नहीं कहा है, ना ना, ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया, वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिष्टा, ये तो परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा स्वयं साकार रूप में प्रकट होकर के अपना प्रवचन दिया है, जैसे उस निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट हुआ ज्ञान ईश्वरी ज्ञान कहा जाता है, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की साकार अभिव्यक्ति कृष्ण है, वासुदेव है, और वासुदेव के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, वह भी उपनिषद ज्ञान है, उसको भी उपनिषद कहते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान जो है वो भी रिवील्ड नॉलेज है, वो अवतरित ज्ञान है, वो किसी के द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो रिवील्ड नॉलेज है, अवतरित ज्ञान है, ये परम सत्य का उद्घाटन करता है। इसके द्वारा उद्घाटित जो सत्य है उसमें कहीं भी भ्रांति के लिए स्थान नहीं, उसमें कहीं भी भेद के लिए स्थान नहीं, उसमें कहीं भी आपको अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा लोगों को आमंत्रित करते हैं
किस बात के लिए? तर्क के लिए, युक्ति के लिए, प्रश्न के लिए। तुम्हें यदि इन शास्त्रों में कहीं शंका हो, भ्रांति हो, तो तुम आओ हमारे पास, प्रश्नोत्तर करो, समझो इसे। क्योंकि जो युक्ति विरुद्ध है, तत्व विरुद्ध है, बुद्धि विरुद्ध है, वह कभी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। याद रख लो मेरी बात, जो बुद्धि विरुद्ध है, जो तर्क विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है, वो ज्ञान कभी भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वरीय ज्ञान वही है जो युक्ति युक्त हो, जो तर्क युक्त हो, जो बुद्धि गम्य हो। भगवान ने गीता में कई बार इस बात को समझाया है और उन्होंने कहा है बुद्धि ग्राह्यम अतिंद्रियम। ईश्वरीय ज्ञान इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है तो समझ में कैसे आएगा? भगवान ने कहा बुद्धि ग्राह्यम, इंद्रियातीत तो है लेकिन बुद्धि इंद्री नहीं है। ना ना, इंद्री तो होती है 11, मन षष्ठान इंद्रियाणि कहा, ज्ञान इंद्रियों के लिए मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 इंद्री बताई, और इंद्रियाणि दशैकम च, 11 इंद्रियां बताया। सांख्य में, वेदांत में सर्वत्र इंद्रियों की संख्या 11 है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। मन इंद्री है लेकिन बुद्धि इंद्री नहीं है। बुद्धि तो इस जीवन का मूल आधार है और उसी में चैतन्य का प्रकाश होता है। चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होने पर उसी बुद्धि में अहम का स्फुरण होता है और यदि गंभीरता से मनन करें तो बुद्धि ही आपके जीव भाव की जननी है। बुद्धि कौन है? जीव भाव की जननी। इसलिए दुर्गा सप्तशती में प्रार्थना करते हुए कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह भगवती बुद्धि रूप में स्वयं अवस्थित होती है, परा प्रकृति स्वयं बुद्धि रूप में प्रकट होती है और उसी बुद्धि के माध्यम से जिस चेतन का आविर्भाव होता है वह चिदांश होने के नाते जीवात्मा कहा जाता है। वह जीवात्मा चिदांश है और बुद्धि के माध्यम से ही प्रकट होता है। इसलिए वो बुद्धि ही एक मुख्य आधार है जिसके माध्यम से आप उस परम ज्ञान को, श्रुति ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसलिए वो बुद्धि ग्राह्यम अतिंद्रियम है परमात्मा। और वेद में भी ये बात, श्रुति में भी ये बात समझाई गई कि परमात्मा को जानने के लिए एकमात्र माध्यम है दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी, वह बुद्धि। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बुद्धि में आविर्भूत समाधि की उच्चतम अवस्था में जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है, उस ज्ञान का कहां आविर्भाव होता है? उसी बुद्धि में, और कहीं दूसरी जगह नहीं होता। बुद्धि ही पात्र है उसकी, बुद्धि ही माध्यम है, उसी बुद्धि में उस ज्ञान का उत्तरण होता है, कहीं अन्यत्र नहीं होता। इसलिए बुद्धि यदि आपकी शुद्ध है तो आप सत्य को अनुभव करेंगे, बुद्धि यदि अशुद्ध है तो आप सत्य को नहीं अनुभव करेंगे। जो ज्ञान बुद्धि विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है, उसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब ऋषि लोग कलयुग के आगमन से पूर्व द्वापर के अंत में जब ऋषि लोग ये भूमि छोड़ करके जाने लगे सिद्ध लोक में, तो यहां के अन्य ऋषियों ने प्रार्थना की देवताओं से कि ये तत्वदृष्टा ऋषि तो जा रहे हैं, अब हमें वेद का अर्थ कौन समझाएगा? निरुक्तकार यास्काचार्य ने लिखा है। तो देवताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारे बीच में एक महान ऋषि मैं छोड़कर जा रहा हूं, महान ऋषि, और वही तुम्हें वेद का ज्ञान प्रदान करेगा। कहा वो महान ऋषि कौन है? कहा तर्क एव ऋषि, तर्क है, विचार है, चिंतन है, उसी के द्वारा तुम्हें तत्व ज्ञान होगा, वेद का ज्ञान होगा। यदि तुम विचार को लोप कर दो, तर्क को लोप कर दो, फिर तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहा करता हूं कि इफ यू वांट टू बी रिलीजियस यू मस्ट यूज योर रीजनिंग फर्स्ट, बिकॉज रीजनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजन।
ये वेद का सिद्धांत है। मनु महाराज ने घोषणा की है, यस तर्के नान सद्धमते सधर्म वेद नेतर, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। धर्म विश्वास का आधार नहीं, धर्म विश्वास पर नहीं टिका हुआ है, धर्म तो विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश है, याद रखो। और विशुद्ध बुद्धि का आविर्भाव प्रकृति से हुआ है, सतोगुण से, सात्विक प्रकृति, इसीलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम्, ऐसा गीता भगवान ने समझाया। और उस विशुद्ध बुद्धि में जिस ज्ञान का प्रकाश होता है वह ईश्वरीय ज्ञान होता है, याद रखो। इसलिए वेद जिसे कहते हैं, श्रुति जिसे कहते हैं, वह आपके चाक्षुष ज्ञान से नहीं, ऐन्द्रिक ज्ञान से नहीं, इंद्रियों से परे जो मन है मानसिक ज्ञान से नहीं, यानी वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, वह अनुमान प्रमाण से नहीं, वो तो केवल शब्द प्रमाण से जाना जाता है। और शब्द प्रमाण जो है वो बुद्धि का विषय है, वो आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आपके मन का विषय नहीं है। इसलिए वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी की गति नहीं है इंद्रियां सारी शिथिल हो जाती है, जो मन से भी परे है अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, क्या वह आनंद स्वरूप ब्रह्म है, कहा उसको कैसे जाना जाए, कहा विद्वान बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, केवल एक ही साधन उसको, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चना, जो उसको जान जाता है वो पुनः संसार में किसी से भयभीत नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वेद क्या है, आज मैंने आप लोगों को यह समझाया, उस वेद के रहस्य को समझिए, वो शब्द प्रमाण है, वो परमात्मा के द्वारा अवतरित ज्ञान है, वह रिवील्ड नॉलेज है, वह मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद के रूप में आपको प्राप्त है। और इनके द्वारा जिस तत्व ज्ञान का बोध किया दिया गया है, जिस तत्व ज्ञान का आविर्भाव हुआ है, उसको आप लोग ग्रहण करें, उसके मूल सिद्धांत को ग्रहण करें। हमारे यहां आप लोगों ने सुना होगा गायत्री को वेद की मां कहते हैं, वेद माता। वेद माता क्यों कहते हैं, इसलिए कि गायत्री के द्वारा ही बुद्धि विशुद्ध होती है और विशुद्ध बुद्धि में ही ज्ञान का अवतरण होता है, इसलिए वह ज्ञान की मां विशुद्ध बुद्धि स्वरूपा गायत्री है, इसलिए उसे वेद की मां कहते हैं। आप लोग जानते हैं गायत्री को वेद की मां क्यों कहते हैं, गायत्री विशुद्ध बुद्धि स्वरूपा है, विशुद्ध बुद्धि में ही ज्ञान का अवतरण होता है, ये तो आप जानते हैं। मां बच्चे का निर्माण नहीं करती, मां बच्चे को जन्म देने का माध्यम मात्र होती है, क्या समझे, मां बच्चे को बनाती नहीं, मां को जननी कहते, तो जननी बच्चे का निर्माण नहीं करती, बच्चे को बनाती नहीं, कहा तो फिर कहा बच्चे के आविर्भूत होने का माध्यम मात्र बनती है। इसी रूप से बुद्धि जो है वो ज्ञान की जन्मदात्री है, जन्मदात्री माने परमात्मा के दिव्य ज्ञान के आविर्भूत होने का माध्यम, जैसे जननी संतान कोई जन्मदात्री है, इसी रूप से बुद्धि ज्ञान की जन्मदात्री है, समझे। और बुद्धि का देवता कौन है, जैसे मन का देवता चंद्रमा है, जैसे आपके इंद्रियों का देवता, आंख का देवता तेज है, कान का देवता दिशा है, इंद्रिय है ना आपकी, नेत्र इंद्रिय है इसका देवता तेज है, ये श्रवण इंद्रिय इसका देवता दिशा है, देवता माने कौज कारण। इसी रूप से नासिका है इसका देवता पृथ्वी है, या अश्विनी कुमार है, दोनों बताए गए। इसी रूप से जिह्वा है, जिह्वा इसका देवता वरुण है, यानी जितने इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, इनके अलग अलग देवता है। तो मन का देवता चंद्रमा है, और बुद्धि जो है वो बुद्धि का देवता ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ को सूर्य कहते हैं,
इसलिए बुद्धि का देवता सूर्य सविता है। और हम गायत्री मंत्र में किसकी आराधना करते हैं? सविता है। सविता देवानाम प्रसविता, जो दिव्य गुणों को उत्पन्न करने वाली, प्रसव करने वाली शक्ति है उसको सविता कहते हैं। वो सविता कौन है? आपकी बुद्धि। व्यष्टि भाव में आपकी बुद्धि और समष्टि भाव में कॉस्मिक इंटेलेक्ट। कॉस्मिक इंटेलेक्ट इज कॉल्ड सविता। इसलिए आप जब बुद्धि की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं तो सविता का ध्यान करते हैं। भगवान शुद्ध सूर्य, भगवान सूर्य ही उसके साकार रूप है, इसलिए बुद्धि को सौरी कहते हैं। सूर्य से उत्पन्न हुई, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की अभिव्यक्ति, सूर्य की शक्ति, और बुद्धि की वृद्धि के लिए सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य की आराधना से ही बुद्धि विशुद्ध होती है और विशुद्ध बुद्धि में ही ज्ञान का अवतरण होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि गायत्री वेद की मां है, माने आपकी विशुद्ध बुद्धि ज्ञान की जननी है, ज्ञान को आविर्भूत करती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो परमात्मा का सहस्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान तो परमात्मा का सहस्वरूप है। परमात्मा के उस सहस्वरूप की अभिव्यक्ति आपकी बुद्धि विशुद्ध बुद्धि के माध्यम से होता है, इसलिए वह ज्ञान की जननी कही जाती है। तो आप यदि वेद के रहस्य को जानना चाहते हैं तो व्यष्टि भाव में पहले अपने जीवन में अपनी बुद्धि को समझिए और बुद्धि में अवतरित होते हुए होने वाले ज्ञान को समझिए और बुद्धि को उस शांतावस्था में ले जाइए जहां पर उसमें यथार्थ रूप से ज्ञान अवतरित हो सके। क्योंकि वेद कहता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगते। वो परम गति है जहां बुद्धि चेष्टा शून्य हो जाती है। चेष्टा शून्य होने पर ही बुद्धि में उस दिव्य ज्ञान का अवतरण होता है। जब बुद्धि सचेष्ट रहती है उसमें जो ज्ञान होता है उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं, और बुद्धि जब प्रशांत हो जाती है उसमें जिस ज्ञान का अवतरण होता है उसको अवतरित ज्ञान कहते हैं। और अवतरित ज्ञान ही श्रुति है, वही वेद है। उस वेद के अभिप्राय को समझ करके उसके प्रकाश में यदि आप अपने कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करते हैं तो आप होते हैं वेद धर्मानुयायी। और यदि बुद्धि विहीन होकर के अविवेक में मन की कल्पना के अनुसार अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कर लेते हैं तो आप कहे जाते हैं मनमुखी। आप वेद धर्मानुयायी नहीं है, आप अपने मन के धर्मानुयायी हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मन की प्रेरणा से जगत में व्यवहार करता है उसके पल्ले दुख के सिवा और कुछ नहीं पड़ता। इसलिए ऋषियों ने कहा कि तुम वेद के धर्म का अनुसरण करो, ज्ञान के धर्म का अनुसरण करो और दिव्य ज्ञान तुम्हें विशुद्ध बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को वेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह कैसे परम प्रमाण है और हमें क्यों उसकी आज्ञा के अनुसार वर्तना चाहिए, ये संक्षेप में समझाया है। अभी दो दिन और हैं, आप लोग ठीक समय से यहां आइए जिससे आप पूरी बात मेरी सुन सके और समझ सके। समय बहुत हो गया, अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम। जैसा आप लोगों में से बहुतों को मालूम है, प्रातः काल आश्रम में हमारे क्लास लगती है मेडिटेशन और